जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई तोमर टेक्नो में। दोस्तों, गेल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आईटीआई स्टूडेंट के लिए बम्पर वैकेंसी जो है निकाली गई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। लगभग 400 के आसपास आपकी वैकेंसी निकाली गई है। आईटीआई डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए बहुत ज़बरदस्त जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, यदि मैं बात करूँ यहाँ पर गेल इंडिया लिमिटेड की, तो गेल इंडिया लिमिटेड एक यहाँ पर महारत्न पीएससी कंपनी है जो कि आपकी सरकारी कंपनी है। ज़बरदस्त सरकारी वैकेंसी आपके यहाँ पर निकाली गई है। यदि मैं बात करूँ गेल इंडिया लिमिटेड की, तो भारत की नंबर वन जो है वो गैस कंपनी है। आपको जो है यहाँ से काफ़ी सारी वैकेंसी निकाली गई है। यदि आप दोस्तों इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, एजुकेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो, तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। सैलरी जो है काफ़ी अच्छा सैलरी रखा गया है। तो सो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बन रहेगा, मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एज क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, किस स्टेट के लिए कितना पोस्ट है, और एप्लीकेशन फीस क्या रखा गया है, एग्जाम सेंटर कहाँ होने वाला है। तो दोस्तों, संपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, यदि हम बात करें पोस्ट की, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जूनियर इंजीनियर केमिकल का पोस्ट मिल जाता है। यहाँ पर टोटल 2 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का 1 पोस्ट है, यहाँ पर फोरमैन इलेक्ट्रिकल का 1 पोस्ट रखा गया है, और फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपका टोटल जो है वो 14 पोस्ट रखा गया है। ये सारी डिप्लोमा कैंडिडेट की पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर यहाँ पर फोरमैन सिविल का जो है आपका 6 पोस्ट रखा गया है। जूनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज का भी पोस्ट रखा गया है, टोटल 5 पोस्ट है। यदि हम बात करें यहाँ पर जूनियर केमिस्ट की 8 पोस्ट रखा गया है। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, टोटल 14 पोस्ट जो है आपका निकाला गया है। यदि हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी का भी 3 पोस्ट है, और ऑपरेटर केमिकल का जो है 73 पोस्ट रखा गया है। यदि दोस्तों हम बात करें अब जो आने वाली वैकेंसी है, यहाँ से जो आईटीआई कैंडिडेट का वैकेंसी शुरू हो जाता है। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का यदि हम बात करें, तो टोटल 44 पोस्ट रखा गया है। दोस्तों, गेल इंडिया में आज तक जब वैकेंसी निकलता था आईटीआई का, तो यहाँ पर 5 से 6 पोस्ट जो है एक ट्रेड के लिए वैकेंसी निकलता था। इस बार जो है बम्पर वैकेंसी है, बम्पर से भी जो है वो बम्पर वैकेंसी यहाँ पर आपका निकाला गया है। नेक्स्ट दोस्तों, यदि हम बात करें यहाँ पर टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, यहाँ पर टोटल 45 पोस्ट है, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है। उसके बाद आपके यहाँ पर 13 नंबर का जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन मैकेनिकल का वैकेंसी, यहाँ पर टोटल 39 पोस्ट रखा गया है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कैटेगरी आप देख पा रहे होंगे कि किस कैटेगरी के लिए क्या क्या जो है वो कितना कितना नंबर ऑफ वैकेंसी रखा गया है। ये दोस्तों हम बात करें यहाँ पर टेक्नीशियन मैकेनिकल का, तो इस वैकेंसी के लिए जो है आपके फिटर के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, मशीनिस्ट के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, टर्नर के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, और जो है डीजल मैकेनिकल कैंडिडेट, यानी टोटल 4 पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है, जो कि ज़बरदस्त वैकेंसी आपकी रहने वाली है। नेक्स्ट जो दोस्तों वैकेंसी है, यहाँ पर जो है टेक्नीशियन यहाँ पर टेलीकॉम टेलीमेट्री की है, टोटल 11 पोस्ट है, और ऑपरेटर फायर की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, टोटल 39 पोस्ट है। और उसके बाद ऑपरेटर बॉयलर का भी पोस्ट है, 8 पोस्ट जो है ऑपरेटर बॉयलर से भी आपकी निकाली गई है। नेक्स्ट जो वैकेंसी अकाउंटेंट असिस्टेंट की 13 पोस्ट है, बिजनेस असिस्टेंट की वैकेंसी है, टोटल 65 पोस्ट है। टोटल यदि ऑल ओवर नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, तो आपका 391 वैकेंसी जो है टोटल रखी गई है, यानी 391 वैकेंसी आपकी रखी गई है। यदि आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो, तो कुछ इस प्रकार से पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए जो है कुछ यहाँ पर वैकेंसी को रिक्वायर्ड रखा गया है, रिजर्व रखा गया है। अब दोस्तों हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जितने भी जूनियर इंजीनियर की जो पोस्ट है, उसके लिए सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जूनियर इंजीनियर यदि केमिकल की बात करें, तो आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग यहाँ पर केमिकल में डिप्लोमा होना चाहिए, या पेट्रोकेमिकल में, केमिकल टेक्नोलॉजी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद साथ साथ आपका पास 8 ईयर का आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। यदि आपके पास 8 वर्ष का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप यहां पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। एक्सपीरियंस चाहे आपका कहीं से हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, या आपने प्राइवेट डिपार्टमेंट से भी किया है, प्राइवेट सेक्टर से भी, तब भी आप यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं। सैलरी की बात करें, बहुत ज़बरदस्त सैलरी है, 35,000 से 1,38,000 के आसपास आपका सैलरी रहने वाला है। जूनियर इंजीनियर का जो है सेम एज क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर जो है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। यहाँ पर फोरमैन इलेक्ट्रिकल की बात करें, तो फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिकल में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 60% मार्क्स के साथ, और यहाँ पर 2 ईयर का जो है आपसे एक्सपेंसिव मांगा गया है। दोस्तों यदि हम बात करें फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर 2 ईयर का एक्सपेंस मांगा गया है। तो दोस्तों बेसिकली हम यहाँ पर
आईटीआई कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी निकली है उसके ऊपर हम यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो फोकस करने वाले हैं। दोस्तों हम देख लेते हैं कि आईटीआई कैंडिडेट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए क्या आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो यहाँ पर जो बेसिक पे रहने वाला है वो आपका 24,000 पे स्केल आपका 24,500 से 90,000 के समथिंग रहने वाला है। काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर पे स्केल आपको मिलने वाला है। उसके बाद यदि बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, आईटीआई कैंडिडेट के लिए सेम रखा गया है, एक जो है बॉयलर ऑपरेटर को छोड़कर सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिशियन की बात करें, आईटीआई होना चाहिए आपका इलेक्ट्रिकल ट्रेड में और 10th होना चाहिए। यदि आपने जो है 10th के बाद डायरेक्ट जो है अप्रेंटिसशिप किया है, 3 ईयर का अप्रेंटिसशिप किया है, तब भी आप यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं। लेकिन उसके साथ में आपके पास जो है वो 2 ईयर का यहाँ पर पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे आपका स्टेट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, या PSU या प्राइवेट सेक्टर से हो, अंडरटेकिंग से कहीं से भी हो, आप यहां पर एलिजिबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करें यहां पर टेक्निकल इंस्ट्रूमेंटेशन की, यहां पर भी सेम रखा गया है, 2 ईयर का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड से आपके पास ITA जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है यहाँ पर टेक्नीशियन मैकेनिकल का वैकेंसी है, यहाँ पर जो है जो कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे वह फिटर के कैंडिडेट, डीजल मैकेनिकल और मशीनिस्ट और टर्नर के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो सेम आपका रखा है जो मैंने ऊपर डिस्कस किया है। यदि हम बात करें अपर एज लिमिट की तो 26 ईयर आपका अपर एज लिमिट रखा गया है। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो SST OBC से तो आपको पास यहाँ पर 5 ईयर और 3 ईयर का जो है एज रिलैक्सेशन भी डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है। दोस्तों हम बात करें टेक्नीशियन टेलीकॉम एलिमेंट्री की, तो यहाँ पर जो है जो अप्लाई करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिशियन, वह इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। 2 ईयर का जो है यहाँ पर भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आप यहाँ पर ऑपरेटर फायर के लिए अप्लाई कर करते हैं तो आपके पास अगर +2 होना चाहिए और 6 मंथ का जो है आपके पास फायर में ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ 2 ईयर का जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट यदि बात करें ऑपरेटर बॉयलर की, तो यहाँ पर जो है आपके पास ITA सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑपरेटर बॉयलर में और 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यदि आपके पास ITA नहीं है तो ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस BSc होना चाहिए विद सब्जेक्ट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से 55 मार्क्स के साथ आपके पास यहाँ पर BSc होना चाहिए, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। दोस्तों हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो मिनिमम जो है आपका 26 ईयर होना चाहिए। यदि आप SC कैंडिडेट हो तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, OBC हो तो 3 ईयर का, यदि आप PWD कैंडिडेट हो तो कुछ इस प्रकार से 10, 13 और 15 ईयर का आपको जो है एज रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। पे स्केल मैंने आपको पहले बताया, पे स्केल आपका जो है कुछ इस प्रकार से आपका रहने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, किस सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे रहने वाला है और कब से अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों बात करें हम यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस की, तो एग्जामिनेशन फीस आपका जो है 50 रुपीज़ रहने वाला है। यदि आप जनरल OBC और EWS कैंडिडेट, यदि आप SSC कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर कोई भी फीस चार्ज जो है वो नहीं दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए जो है आपको इनके वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। यदि बात करें हम यहाँ पर अप्लाई करने की कब से अप्लाई कर पाएंगे, तो 8 अगस्त 2024 से आप यहां पर 7 नवंबर 2024 तक अप्लाई कर पाएंगे। ये दोस्तों हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, स्पेशली हम ITA कैंडिडेट के लिए बात कर लेते हैं। तो ITA कैंडिडेट का जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है उसमें आपके यहां पर रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपके यहां पर स्किल टेस्ट होगा, जो कि यहां पर रिलेवेंट डिसिप्लिन यानी जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड से आपका जो है स्किल टेस्ट लिया जाएगा। ये दोस्तों हम बात करें यहाँ पर एग्ज़ाम की, तो रिटर्न एग्ज़ाम में आपसे टोटल यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपका कोई भी जो है नॉन नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। यदि हम बात करें एग्ज़ाम के लैंग्वेज, तो हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपका जो है वो एग्ज़ाम रहने वाला है। और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो 90 मिनट आपका टाइम ड्यूरेशन देखने को मिल जाता है। चलिए दोस्तों हम बात करें स्किल टेस्ट के लिए, तो स्किल टेस्ट के लिए 1:5 का रेशो रखा गया है, यानी एक पोस्ट के लिए 5 कैंडिडेट को जो है स्किल टेस्ट के लिए आपके यहाँ पर बुलाया जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम सिटीज़ की, कि आपका जो है एग्ज़ाम जो है वो कहाँ कहाँ रखा गया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एग्ज़ाम टेस्ट की बात करें तो आपका दिल्ली NCR होगा, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई आपका जो है एग्ज़ाम सेंटर जो है वो रखे गए हैं।
आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर सब्सक्राइब करना। सो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।